जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, चाहे रात के एक ही क्यों ना बजे हों। नमस्कार दोस्तों, पुण्यति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत पार्ट टू। इससे पहले हमने इस बुक के काफ़ी सारे पार्ट अपलोड कर चुके हैं, अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है घटना चक्र की उसको देखिए और इन सभी पार्ट्स का, इस पूरी बुक का लाभ उठाएं। मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लीजिए, जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताता चला जाऊँगा। देखिए, ये जो बुक है, एक्चुअली ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक में केवल उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन करा गया है जो SSC के द्वारा पूछे गए हैं, चाहे SSC ने एग्जाम लिया हो CGL टायर 1 का, CPO का, SI का, MTS का या CHSL का या फिर स्टेनोग्राफर का। इन सभी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन GS के पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये बुक है तो मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को क्लोज कर दीजिए, इस वीडियो को मत देखिए, इस बुक को आप सेल्फ स्टडी करिए और सारे क्वेश्चंस याद करिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और जो भी फ्रेंड आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, पार्ट वन में हमने बात करी थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हम बात करेंगे पार्ट टू में वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन SSC एग्जाम द्वारा पूछे गए हैं, केवल उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने कि निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। हमारे कितने वेद होते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता तो सामने के सामने चारों वेद आपके सामने लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल वैदिक सभ्यता में टोटल कितने वेद हैं, टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद एंड सामवेद, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बेसिक डिटेल हम जानना चाहेंगे इसके बारे में, आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद भारतीय आर्यों की ही नहीं आपूर्ति बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। यह भारत तथा भारोत्तर प्रदेश के आर्यों के इतिहास, भाषा, धर्म एवं उनकी सामान्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 मतलब 1028 सूक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था, ठीक है। वैदिक गणित के बारे में बात कर रहा हूं हमसे, तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो था वो था सल्व सूत्र। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, वैदिक आर्य जो लोग थे वो वास्तव में क्या खाते थे, वो खाते थे दूध और इसके उत्पादक, दूध से क्या क्या बनता है, पनीर, घी, दही, तो ये सब आइटम वैदिक आर्य के प्रमुख भोजन के स्रोत थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वाला था, ठीक है, वो था जौ, जौ को बोलते हैं यव, सबसे पहले अनाज के रूप में क्या प्रयोग करा गया, वो करा गया जौ। आपको शायद पता भी होगा अगर आप पूजा पाठ करते हैं, घर में हवन वगैरह करते हैं, ऑब्वियस सी बात आप करते होंगे, तो पंडित जी उसमें जौ तिल जरूर लिखते हैं, तो जौ की मात्रा बहुत ही अधिक प्राचीन काल में यूज करते थे, लेकिन अब तो लोगों को पता नहीं कि जौ कैसा होता है, ठीक है, कई लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा। तो आप याद रखिएगा कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था, वो था जौ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, इसका राइट आंसर है तांबा। आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, तांबा। और बात कर रहा है वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग करा जाता था, तो आप याद रखिएगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेद का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, इसका वास्तविक हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो वेद शब्द का जो रियल अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग करा था, ठीक है, उनके पास रथ जो थे, रथ में घोड़े लगे होते थे जो काफी जल्दी फास्ट युद्ध भूमि में भागते थे, जो भी उन्होंने संघर्ष करे हर संघर्ष में उन्होंने घोड़ों का प्रयोग करा और घोड़े युद्ध में काफी बैकबोन का काम करते थे, तो इसलिए क्या हुआ। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है दोबारा रिपीट करता हूं मैं, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उनके पास घोड़े थे,
घोल से बने रथों का वो प्रयोग करते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एक की ओर। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वो था तंबाकू। तंबाकू के बारे में वैदिक काल में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है, तो आप याद रखिएगा बात कर रहा है नहीं था, ठीक है, नहीं था पे फोकस करना है आप लोग। और ये था तंबाकू। देखिए भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील से लाया गया था। भारत में जो तंबाकू का जो प्रचलन स्टार्ट हुआ वो किसके द्वारा हुआ? पुर्तगालियों के द्वारा। और ये इंपोर्ट पुर्तगाली कहां से करते थे? ब्राजील से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ एंड संन्यास। और संन्यास ये सही क्रम है, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य इसको बोलते हैं, फिर गृहस्थ जीवन आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर इंसान लेता है संन्यास। और इससे संबंधित उम्र भी एक दर्शाई गई है हिंदू धर्म में कि 20 से 25 वर्ष का कार्यकाल जो होगा वो किस के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम देखते हैं आरंभिक अवस्था से 25 वर्ष तक का कार्यकाल क्या होता है? ब्रह्मचार्य। और गृहस्थ जो जीवन होता है वो होता है 25 से 50 वर्ष तक का, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वानप्रस्थ जो होता है वो 50 से 75, और उसके बाद इंसान क्या करता है? संन्यास ले लेता है 75 से 100 वर्षों तक के बीच में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बिल्कुल गलत है। प्रारंभिक आर्य नगरों में निवास नहीं करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर भ्रमण करते थे और गांवों में निवास करते थे, ना कि नगरों में। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल थे उसमें वर्ण व्यवस्था आधारित थी किसके द्वारा? व्यवसाय पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि क्या ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी उपयुक्त सभी। सभी के सभी क्या है? सबकी पुष्टि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? उसका नाम क्या था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे बलि। याद रखिएगा उसको क्या कहते थे? बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट मत करिएगा। इंपॉर्टेंट तो है लेकिन नोट मत करिएगा, मैं आपसे कहना चाहूंगा वीडियो को पॉज करिए और तुरंत इसे याद करिए। तो गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो लिया गया है ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित है। जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये बोलते हैं हम लोग गायत्री मंत्र। और ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और ये समर्पित किसको है पूरा? ये है सूर्य देवता को, सूर्य देव को। तो तीनों के तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, गायत्री मंत्र, ऋग्वेद, सूर्य देव को समर्पित और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है वह सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो लिया गया है कौन से उपनिषद से लिया गया? ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। क्वेश्चन नंबर 17, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका राइट आंसर है लोहार। इसका राइट आंसर क्या है? लोहार। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यह है श्रवण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका राइट आंसर है गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किसमें मिलता है? ये मिलता है बृहदारण्यक को उपनिषद से। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी स्टेट थीसिस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वहां ये क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है सामवेद की संहिता में। देखिए वैदिक काल से केवल और केवल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम में, 2017 तक की बात कर रहा हूँ, केवल यही 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है और आपका वैदिक काल पूरा कवर हो गया होगा। अगर आपके पास एग्जाम में कम समय है तो इस बुक की आप सहायता ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं। अगर टाइम बहुत अधिक है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि एक एक चैप्टर को पहले सेल्फ स्टडी करें, रिसेंट जो जीएस की बुक है उसको खत्म करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में 6 से 7 महीने बचे हैं तो आप लूसेंट उठाइए, अगर एग्जाम में मात्र 1 महीना 2 महीने बचा तो आप ऐसा मत करना, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में फोकस करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 90% आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नया एग्जाम जो भी होगा एसएससी डिपार्टमेंट 90% प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को ही कॉपी करता है और नए एग्जाम में पेस्ट करता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है, कोई भी दूसरी बुक है, जैसे किरण पब्लिकेशंस बुक निकालता है जिसमें जीएस के वो प्रीवियस क्वेश्चंस का कलेक्शन देता है, तो आप उसके माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं, इस बुक को परचेज मत करिए थे, ठीक है। कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए और उसको बड़े ध्यान से स्टडी करिए। देखिए 10 किताब परचेज करने के बाद में 10 के 10 में से कोई भी किताब को ढंग से पूरा ना करने से ज्यादा बेहतर है किसी एक किताब को किसी एक बुक को 10 बार ढंग से पढ़ लेना, 10 बार उसका रिविजन कर लेना। तो बुक का ढेर लगाना बंद करो, किसी एक बुक को पकड़ लीजिए और ढंग से इस पर फोकस बनाए रखिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और एक बार घटना चक्र की जो प्लेलिस्ट है इस चैनल में उसको एक बार वॉच करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और आपके जो भी फ्रेंड कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।